हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ये है अनअकैडमी का अनअकैडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को अनअकैडमी यूपीएससी पर। रोज शाम के 7 बजे मैं आपसे मिलता हूँ, अलग अलग चीज़ों को लेकर मिलता हूँ। मंडे टू फ्राइडे मैं आपसे मिलता हूँ आपकी पसंदीदा और मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट हिस्ट्री की चर्चा करने के लिए। आजकल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसमें अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा है। कल तक आप उस अमेरिकन रिवॉल्यूशन को एंजॉय कर रहे थे। मिशन आईएएस जो हमारा सीरीज़ है जिसके अंडर वो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो मंडे टू फ्राइडे चलता है। सैटरडे को हम लोग करते हैं योजना मैगजीन की समरी। तो अब नवंबर महीना आ गया है और नवंबर महीने की जो योजना मैगजीन है वो आ गई है। नवंबर महीने की जो योजना मैगजीन है उसका टाइटल क्या है, उसके टाइटल को आप देखेंगे तो पोस्ट कोविड रिकवरी है ना, पोस्ट कोविड रिकवरी पर ये इशू है। तो आप देखेंगे जब आर्टिकल्स आपको मैं अंदर दिखाऊंगा तो इसमें इकोनॉमिक रिकवरी की भी बात है और सोशल रिकवरी या हेल्थ से संबंधित जो रिकवरी है, दोनों ही डायमेंशंस इसमें कवर किए गए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक रिकवरी किया गया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ जो हेल्थ से संबंधित आर्टिकल्स हैं, हेल्थ से संबंधित आस्पेक्ट है, उसको भी कवर किया गया है। ऑल्दो इसका नाम पोस्ट कोविड इकोनॉमी है, ठीक है, बट रिकवरी दोनों तरह के इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। चलिए तो आइए फटाफट से देखते हैं आज के सेशन में क्या करेंगे। तो उससे पहले ये है मेरे बारे में कुछ डिटेल्स, यू कैन चेक दिस आउट। इसके अलावा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे यानी कि जो अनअकैडमी का प्लस या अनअकैडमी का पेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी मेरी क्लासेस चलती हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों आप यहाँ पर कर पाएंगे, है ना। यू विल बी एबल टू कवर बोथ द थिंग्स और पूरा का पूरा सिलेबस, और उसके साथ साथ जब आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो उससे पहले आपके पास टेस्ट सीरीज़ होगा। इवन इनफैक्ट पूरे साल टेस्ट सीरीज़ चलता है, अभी से ही टेस्ट सीरीज 2021 के लिए चल रहा है। एग्जाम के टाइम पे भी दोबारा भी टेस्ट सीरीज चलेगा। क्विजेज होते हैं, आंसर राइटिंग के कोर्सेज होते हैं, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको एग्जामिनेशन का यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उन सारी रिक्वायरमेंट को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप फुलफिल हो जाता है ना। तो एक सब्सक्रिप्शन में ये सारा बेनिफिट आपको मिलता है। सारी की सारी क्लासेज लाइव होती हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप सारी क्लासेस कर सकते हैं। सारे सेशंस इंटरैक्टिव भी होते हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है ना। तो DN लाइव कोड है, इस कोड को यूज़ करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। DN लाइव कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये 10% का डिस्काउंट मिल जाता है और मेरा सपोर्ट, मेरा गाइडेंस मिलते रहता है। फ़ी क्या है सर? 44,000 वन ईयर का है, 64 टू ईयर का फ़ी है। दैट्स इट, चलें आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये हम लोग डेली करते हैं, कब? 7 AM पे, है ना। ये हम लोग डेली 7 AM पे करते हैं। सभी बच्चे आ गए, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज मैं डायरेक्ट आपको मैगजीन पे ले जाता हूँ, है ना। आज मैं डायरेक्ट आपको मैगजीन पे ले जाऊँगा और वहीं से आपको कवर करवाऊँगा, है ना। तो आपको डायरेक्ट मैगजीन पर लिए चलते हैं, फटाफट से आ जाइए, एक बार मैगजीन पे चलते हैं, है ना। तो गाइज ये है इस बार का योजना मैगजीन, है ना। दिस इज़ द योजना मैगजीन, पूरा का पूरा PDF। इस सेशन के बाद PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। आप में से ज़्यादातर लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पता होगा, जिनको नहीं पता है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में जाके @ आरोहन सर्च करेंगे, आरोहन, है ना, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ये PDF मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। अभी आप नोटबुक लेकर बैठे और देखते हैं कि हमें इसको कैसे पढ़ना है, ये भी मैं समझाना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से क्यों आज PDF से कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें पढ़ना कैसे, ये समझ में नहीं आता हमें, है ना। तो आप PDF से, आप PPT से हमें समझा तो देते हैं, पढ़ा तो देते हैं, बट जब हम खुद पढ़ने बैठते हैं तो हमें समझ में नहीं आता सर कि हमारे पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। तो चलिए आज मैं आपकी जगह पर बैठ जाता हूँ, है ना, मैं आपकी तरह स्टूडेंट बन जाता हूँ और फिर आप मेरे साथ पढ़िए कि कैसे पढ़ते हैं, ये पता चल जाएगा आपको। हालांकि मैंने पढ़ने से पढ़ लिया है, है ना, फर्स्ट टाइम आपके सामने नहीं पढ़ा, मैंने पहले से पढ़ लिया है, बट बिल्कुल उसी अंदाज में पढ़ेंगे। तो आपको जब मैं आपके सामने ये सारे आर्टिकल्स लेकर आऊँगा तो आपको ये भी समझ में आएगा क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना ज़रूरी है और किस प्रकार से इसकी प्रोसेसिंग करनी चाहिए, किन कीवर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो आई गेस दिस विल बी हेल्पफुल, राइट गाइज, ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, है ना। चलिए तो आइए फटाफट से आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिए चलते हैं, क्या क्या है इस आर्टिकल में दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कि पढ़ना क्या क्या है ना। इसके कंटेंट को दिखा देता हूँ मैं आपको,
ठीक है, ये देखिए लीड आर्टिकल है, प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पोस्ट कोविड वर्ल्ड, है ना, ये इसका लीड आर्टिकल है, ठीक है, दिस इज द लीड आर्टिकल, ये लीड आर्टिकल है और ये तो कवर करना ही है, जो लीड आर्टिकल है उसको तो विदाउट एनी डाउट कवर करना है हमें। इसके अलावा जो एक आर्टिकल है वो ये है इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, फोकस इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी आपको कवर करना है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, पेज नंबर 31 पे ये आपको कवर करना है, शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और ये बिग रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए उस पर है, माइग्रेंट्स भी इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, तो आप चाहें तो माइग्रेंट वाले टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं, इतना सा तो आपको ज़रूर करना है, ठीक है, बाकी ऑप्शनल है, बाकी आप करें ना करें आपके पास चॉइस है, बट इतना सा इंक्लूसिव ग्रोथ है ना, माइग्रेंट्स वाला और ये वाला जो मैंने आपको बताया डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सब आपको कर लेना है, ठीक है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी पे जो है ये आपको ज़रूर से करना है, ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हम यहाँ पे भी सेशन में भी करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, सबको विजिबल है क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में, क्लियरली विजिबल है। चलिए तो फर्स्ट आर्टिकल पे मैं डायरेक्ट आपको लिए चलता हूँ, ये देखिए जी फर्स्ट आर्टिकल आ गया आपका। चलिए हाँ जी, तो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल, ये फर्स्ट आर्टिकल है गाइज, हाँ ये फर्स्ट आर्टिकल है, चलिए यहां से शुरू है, आ जाओ देखते हैं। तो आप जैसे ही इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अभी का जो सिचुएशन था, है ना, आर्टिकल का टाइटल क्या है, प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो आपको इस आर्टिकल को पढ़ते समय ये समझ में आएगा कि इन्होंने सबसे पहले तो इस सिचुएशन को, अभी जो कोविड वाली सिचुएशन है, इसको कंपेयर कब से किया है, इसको कंपेयर किया है वर्ल्ड वॉर टू से, है ना, वर्ल्ड वॉर टू से इसको कंपेरिजन किया है। फिर यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, हमारा रिस्पॉन्स जो है इंडियन गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है उसको इन्होंने बारबेल स्ट्रैटेजी से कंपेयर किया। तो बारबेल स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट्स में, एक इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंस में एक स्ट्रैटेजी होती है, क्या होती है अभी बताऊंगा आपको। और फिर लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स की भी बात की है। बारबेल स्ट्रैटेजी जो है आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया को जो इमीडिएट एक्शन लेना था, है ना, तो इमीडिएट एक्शन में इंडिया ने बारबेल स्ट्रैटेजी अपनाया। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, वर्ल्ड वार वन, आप अंदर जाएंगे तब आपको देखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया था, पहली बार अभी मतलब इस पूरे के पूरे सेंचुरी की अगर हम बात करें तो दो बार ऐसे सिचुएशंस पहले आए हुए हैं कि इकोनॉमी को इतना बड़ा झटका लगा हो। पहली बार ऐसा हुआ था 1930s के टाइम में, है ना, 28-30 वाला जो टाइम था, 1928 और 30, वो समय था ग्लोबल रिसेशन का, है ना, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन, दैट टाइम इज कॉल्ड एज ग्रेट डिप्रेशन, है ना। तो बोले कि भैया ग्रेट डिप्रेशन 1930 में जो हुआ और जो वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना, उसके बाद ये तीसरा सबसे बड़ा इवेंट है जिसने इतना बड़ा झटका पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को दिया हो, पूरे के पूरे वर्ल्ड को दिया हो, है ना। कोविड 19 इज द थर्ड मोस्ट इम्पैक्टिंग इवेंट इन द हिस्ट्री, ठीक है। चलिए तो पिछले 100 सालों में, मतलब 1930 एंड प्रेजेंटली वी आर इन 2020, पिछले 100 सालों में लगभग ये तीसरा ऐसा झटका है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट है, ये तो बिल्कुल क्लियर बात हो गई। तो इस इवेंट से लड़ने के लिए हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, उसको इस आर्टिकल में रेफर किया गया बारबेल स्ट्रैटेजी। वैसे तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि बारबेल स्ट्रैटेजी क्या होती है, बट एक बार थोड़ा पहले रफली समझ लेना चाहिए कि बारबेल स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है इन्वेस्टमेंट में। देखिए जब इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, मान लीजिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट करते समय मैं सोचूंगा कि भैया ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो, है ना, ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो, ऐसी भी जहाँ जगहों पे नहीं इन्वेस्ट करते जहाँ रिस्क बिल्कुल ना हो, है ना, क्योंकि रिस्क बिल्कुल नहीं होगा मतलब वहाँ पे फ़ायदा बहुत कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोचें कि आप कोई मामूली सी नौकरी कर लें 20,000 रुपये वाली, बिल्कुल ज़ीरो रिस्क है ना, तो वहाँ पे रिस्क कम है तो फ़ायदा भी कम है। जहाँ पे बड़े रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जाम्पल IAS का एग्ज़ाम, है ना, IAS का एग्ज़ाम बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है तो फ़ायदा भी ज़्यादा है। तो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी होता है कि जहाँ पे बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है वहाँ पे फ़ायदा भी आपको बड़े होने की चांसेस होती है, जहाँ पे रिस्क कम है बहुत
वहाँ पे फायदा भी बहुत कम होता है जनरली। तो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ ज़्यादा रिस्क वाले में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ कम रिस्क वाले में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और एक तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो बुद्ध भगवान के प्यारे हैं। बुद्ध भगवान के प्यारे हैं मतलब दुर्गेश नंदन सर के प्यारे हैं, बोले तो वो होते हैं मध्यम मार्ग फॉलो करने वाले, कि ना हम बहुत ज़्यादा रिस्क वाले में इन्वेस्ट करेंगे, ना हम बिल्कुल कम रिस्क वाले में इन्वेस्ट करेंगे, हम जो है मध्यम मार्ग अपनाएंगे, है ना, मीडियम पाथ अपनाएंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है बारबेल स्ट्रेटेजी, ये क्या कहती है, ये कहती है कि मध्यम मार्ग नहीं अपनाना है। ध्यान से सुन लेना, बारबेल स्ट्रेटेजी कहती है मध्यम मार्ग नहीं अपनाना है। तो बोले भैया कहाँ इन्वेस्ट करें, हाई रिस्क वाले में या लो रिस्क वाले में? बोला हाई रिस्क, जो एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम हाई रिस्क है ना, एक्सट्रीम हाई रिस्क उसमें भी इन्वेस्ट करो, और जो एक्सट्रीम लो रिस्क है उसमें भी इन्वेस्ट करो। ध्यान से समझना कि हाई नहीं, एक्सट्रीमली हाई रिस्क जहाँ पे हो, है ना, एक्सट्रीमली हाई मतलब आप जब एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो दोनों रिस्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भैया वर्स्ट सिचुएशन भी आए तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर्ड हूँ। सो बारबेल स्ट्रेटेजी अपनाने का मतलब यह है कि वी आर बीइंग प्रिपेयर्ड, वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि अगर वर्स्ट भी आ जाए तो वो भी देख लेंगे भाई, है ना, वी आर रेडी, कुछ भी हो जाए भाई सब देख लेंगे, है ना। ये वाला जो एटीट्यूड है ना, दैट इज बारबेल स्ट्रेटेजी। तो इंडिया का जो इमीडिएट रिस्पॉन्स रहा वो कैसा रहा, वो बारबेल स्ट्रेटेजी रहा, है ना। जो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स है हाउएवर इज एम्ड एट मेकिंग इंडियन इकोनॉमी मोर रेजिलियंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमी में हम इंडियन इकोनॉमी को कैसा बनाना चाहते हैं, रेजिलियंट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में आप कोविड के टाइम में क्या चाहते हैं कि भैया हम तो इम्यून हो जाएं, है ना, हमारे अंदर थोड़ी इम्यूनिटी बढ़िया हो जाए, तो मतलब बीमारी उमारी आए जाए हमें फ़र्क ना पड़े, है ना, बीमारी आ जाए चली जाए हमें फ़र्क ना पड़े, हम तो रेजिलियंस हमारा बना रहे, है ना, तो प्रभावित कम हो हम। रेजिलियंस का क्या मतलब है, जब हम इकोनॉमी के टर्म में जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं रेजिलियंस, है ना, इंडियन इकोनॉमी को रेजिलियंट बनाना है, इकोनॉमी में रेजिलियंस लाना है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि रेजिलियंस जब हम बोल रहे हैं मतलब कुछ नेगेटिव आस्पेक्ट होता है, कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है, तो उससे हमें प्रभावित कम होना है। अब जैसे आप लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया आईएएस तो बड़ा मुश्किल एग्जाम है, आप 3 दिन से परेशान, अरे यार आईएएस तो बड़ा मुश्किल, भैया बोल गए हैं आईएएस बड़ा मुश्किल प्रोग्राम है, वो मतलब 10,000 बच्चों में से एक का भी नहीं होता। अरे भैया गलत बता के गए हैं, 10,00,000 में से एक का होता है, ये मान लो ना, तुम यही मान लो कि 10,00,000 में से एक का होता है, ऐसा मान लो तुम, तुम्हें एक सीट चाहिए या 10,000 सीट चाहिए बताओ, एक चाहिए 10,000 चाहिए, भैया बोल कौन गए, भैया कौन है, पता चला भैया ने जिंदगी में यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखा नहीं है, तुम्हें बोल गए और तुम दिल से लगा के बैठे, तो तुम रेजिलियंट नहीं हो भाई, रेजिलियंस नहीं है तुम में, है ना, एडवर्स सिचुएशन के साथ। अब घर में कुछ हो गया, कोई बात हो गई, मम्मी ने डांट दिया, अब तैयारी कैसे करेंगे, मम्मी ने डांट दिया, आज मेरे पास वो नोटबुक खत्म हो गई, कोविड लॉकडाउन हो रहा है, मैं बाहर से नोटबुक कैसे लाऊंगा, आंसर लिखने के लिए नोटबुक नहीं है, बहाने भाई बहाने, है ना, इसका मतलब यह है कि रेजिलिएंट नहीं है आप, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में कैसा बनाना है, रेजिलिएंट, शॉर्ट टर्म में कैसा, शॉर्ट टर्म में क्या गेम खेला हमने, बारबेल स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल में कहा जा रहा है, यहां तक की बात समझ में आई क्या, यहां तक की बात समझ में आई, कंफर्टेबल है, यहां तक की बात समझ में आई, आपस में चैट कर लो तुम लोग, ग्रेजुएशन 12th 10th, है ना, घर का एड्रेस पूछ लेना, फोन नंबर भी ले लेना, मिलने चले जाना, दिवाली ग्रीटिंग एक्सचेंज कर लेना, पढ़ मत लेना, ठीक है, आज तक कंपटीशन करके पढ़े बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आइए और आगे क्या है भाई साहब, आगे क्या है, ज़्यादा जूम हो गया, आओ, हाँ जी, तो इस आर्टिकल में यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहाँ चले गए, हाँ जी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनिशियली इस एपिडेमिक, जब ये एपिडेमिक आया है ना, कोविड 19 आया, उस समय हमें इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी,
हमें क्या मतलब, पूरी दुनिया इसके बारे में काफ़ी अनसर्टेन थी, नो वन हैड एनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, है ना, किसी के पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, एवरी वन वॉज जस्ट प्रेडिक्टिंग कहाँ ये हो सकता है ये हो सकता है, जो अच्छे से अच्छे एक मतलब एक्सपर्ट्स थे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स थे, वो भी कुछ खास बता नहीं पा रहे थे, इवन कि WHO जो है वो भी अपने रिकमेंडेशन में काफ़ी क्लियर नहीं था और बार बार अपने स्टैंस को चेंज कर रहा था। बस लोगों को एक चीज़ पता थी कि कोई वायरस चाइना के वुहान से निकला है और बड़ा डेडली है, बड़ा डेंजरस है, इटली में काफ़ी सारे लोगों की जान जा चुकी थी, नॉर्दर्न इटली में, है ना, तो लोगों को बस इतना सा पता था कि नॉर्दर्न इटली में बड़ा नुकसान हुआ है जी, है ना, नॉर्दर्न इटली में बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों को ये पता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो जब लोगों को सिचुएशन का पता ही नहीं, जब लोगों को चैलेंज का पता ही नहीं है, तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली बात है बहुत ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन में कोई सजेस्ट कर रहा है कि भैया हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें आप, जब एक बहुत बड़ी आबादी के पास इम्यूनिटी आ जाएगी, वो इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन से भी आ सकती है, अपने आप भी आ सकती है, तो अपने आप जब हर्ड बहुत बड़ी आबादी को इम्यूनिटी आ जाएगी, तो ज़्यादा लोग जब इम्यून हो जाएंगे, है ना, तो अपने आप इसका चेन ब्रेक होने लगेगा। मान लीजिए एक सोसाइटी, उसमें ज़्यादा लोग इम्यून हो गए तो इसका चेन ब्रेक होने लगेगा, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसमिट ऐसा नहीं हो पाएगा, और जब ऐसा सिचुएशन आने लगेगा तो जो लेस इम्यून है उन तक भी बीमारी नहीं पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि कैरियर्स कम हो गए ना, डिजीज़ फैलेगा कैसे, कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलेगा कैरियर से, है ना, लोगों से फैलेगा। ज़्यादा लोग अगर इम्यून हो गए तो ये चांसेस रहती हैं कि कम इम्यून वाले लोगों को भी, कम इम्यूनिटी वाले लोगों को भी ये डिजीज़ ना हो, तो इसी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, है ना। तो कोई कह रहा था भैया हर्ड इम्यूनिटी लगाया जाए, एक हेल्थ एक्सपर्ट का कहना था कि इंडिया में लगभग 200 से 300 मिलियन इन्फेक्शन होगा और जुलाई 2020 तक ही होगा, और कितना, जुलाई 2020 तक 200 से 300 मिलियन केसेस हो जाएंगे इंडिया में और लगभग 2 मिलियन डेथ होंगे, है ना, 2 मिलियन मतलब 20 लाख डेथ हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली द आइडिया इज कि नो वन वॉज अवेयर, है ना, कोई बहुत एग्जैक्ट तरीके से किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, ठीक है। और जब ऐसे पता नहीं था तब हमने किस स्ट्रैटेजी को अपनाया, मैंने आपको बताया बारबेल स्ट्रैटेजी, है ना। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन बोथ केसेस, है ना, हेल्थ के फ्रंट में भी और इकोनॉमी के भी फ्रंट में, दोनों ही केसेस में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या था कि मेजर डिसीजंस अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी एंड पॉसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि बड़े बड़े डिसीजंस भी लेने थे, लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है, किस प्रकार का पैकेज देना है, क्या करना है, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने थे, पर पॉसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, एम्पल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और बिल्कुल एक अनसर्टेनिटी है, इनफैक्ट अनसर्टेनिटी आज भी है, इतना टाइम हो गया कोविड को आए हुए, आज भी अनसर्टेनिटी है कि कल कैसा होगा, टुमारो, है ना, कल कैसा होगा। आज जैसे जो न्यूज़ आया सुबह का, द हिंदू में आज आया है कि दिल्ली में अब तक का हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हुआ है 7000 केसेस, पिछले वीक में कुछ दिनों से 6000 प्लस चल रहा था, वो हर दिन मतलब हाईएस्ट होता जा रहा है, आज जितना है कल उससे भी ज़्यादा, और पिछले अभी तक मतलब 7 महीने का हाईएस्ट, फिर नेक्स्ट दिन और नए कीर्तिमान और नए रिकॉर्ड जो है कोविड स्थापित करता जा रहा है दिल्ली में। तो आज भी सिचुएशन थोड़ी अनसर्टेन है, तो उस समय तो और ज़्यादा अनसर्टेन थी, पहले कभी इस तरह का सिचुएशन हुआ नहीं था, तो किस प्रकार से एक्शन लें ये गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। और गवर्नमेंट ये बात भली भांति समझ रही थी कि ये बिल्कुल यहाँ पे हम जो भी डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल मतलब ऐसा है कि आप वन वे में जा रहे हैं, वन वे में जा रहे हैं मतलब वन वे, वापस लौटने का चांस नहीं है, है ना। तो गवर्नमेंट वॉज अंडरस्टैंडिंग दिस दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कोर्स करेक्शन, कि हम कुछ गलती कर दें बाद में इसको सही करने का मौका नहीं मिलेगा इस तरह की सिचुएशन में, है ना। तो लगभग गवर्नमेंट के लिए क्या था, एक मैराथन था, ना कि स्प्रिंट था, दिस वॉज अ मैराथन, है ना, क्योंकि पता है कि लंबी दौड़ है, दिस इज अ लंबी दौड़, कोई स्प्रिंट नहीं है 200 मीटर का कि हाँ भैया तेज तेज दौड़ लिए, बिल्कुल फटाफट से कुछ एक्शन लिया और मामला खत्म हो गया, है ना। डेंगू नहीं है ये, मलेरिया नहीं है ये, लंबी दौड़ वाली चीज़ है ये, तो समझ में आ गई थी, ऑल्दो द सिचुएशन वॉज अनक्लियर। तो गवर्नमेंट ने जो सबसे पहला स्टेप लिया यहाँ पर, गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ पर क्या करने की कोशिश की, आप देखेंगे गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ पर हेज करने की कोशिश की, है ना, हेज करने की कोशिश की, जो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता था उससे हम बचने की कोशिश कर रहे थे। वर्स्ट पॉसिबल आउटकम से बचने की कोशिश कैसे की हमने, वर्स्ट पॉसिबल आउटकम से बचने की कोशिश की हमने कैसे, लॉकडाउन लगा के, ठीक है, लॉकडाउन लगा के। तो ये हेजिंग जिसकी बात कर रहे हैं ना, हेजिंग हमने कैसे की, हेजिंग हमने की लॉकडाउन लगा के। लॉकडाउन का पर्पज सिर्फ ये नहीं था कि हम चेन को ब्रेक कर दें, वो तो था ही, कई उस समय एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे थे कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अगर लगाया जाए, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, तो चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा, केसेस अपने आप कम आएंगे। बट सिर्फ यही उद्देश्य नहीं था लॉकडाउन का, लॉकडाउन का एक उद्देश्य ये था
कि जिस समय हम बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाएं तो उस समय गवर्नमेंट अपने पूरा अपने आप को आर्म्स एंड एम्यूनेशन से लैश कर ले, मतलब अपनी पूरी तैयारी कर ले, चाहे टेस्टिंग का हो, है ना, हॉस्पिटल बेड्स की तैयारी हो या और भी जितने प्रकार की तैयारियां हैं, मेडिकल संबंधित, हेल्थ संबंधित जितनी तैयारियां हैं, सरकार वो कर पाए। ठीक है, तो सरकार वो कर पाए, ये इस समय का मेन फोकस था। ठीक है, तो एम्फेसिस वॉज ऑन प्रोवाइडिंग सेफ्टी नेट, है ना, एम्फेसिस इस समय किस चीज़ पर था, एक सेफ्टी नेट पहले प्रोवाइड करें, फिर देखेंगे कि इकोनॉमी वगैरह के एरिया में क्या किया जा सकता है। ठीक है, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने पर इस समय फोकस था। एक्सपर्ट्स आर्ग्यूड कि स्ट्रॉन्ग इनिशियल लॉकडाउन, शुरुआत के दिनों में अगर बिल्कुल सख्ती से लॉकडाउन लगाया जाए तो दैट कुड स्टॉल द एपिडेमिक, उससे एपिडेमिक शुरुआत के दिनों में ही रुक सकता है। ठीक है, पर मेन आपको यही फायदा हुआ जो मैं अभी आपको बता रहा था, लॉकडाउन ऑल्सो गेव स्पेस टू अरेंज लार्ज स्केल मेडिकल रिस्पॉन्स, है ना, कि बड़े स्केल पे मेडिकल रिस्पॉन्स किस तरीके से दिया जा सकता है, टेस्टिंग कैपेसिटी किस तरह से एनहांस की जा सकती है, इन सारी चीज़ों को करने में, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में लॉकडाउन ने हेल्प किया। फिर जब गवर्नमेंट तैयार हो गई तो गवर्नमेंट को ये भी समझ में आया कि भैया अगर एग्जैक्ट डाटा नहीं आएगा, है ना, और इकोनॉमी ओपन नहीं करेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो इकोनॉमी को भी ओपन करना है और साथ साथ एग्जैक्ट डाटा की भी ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे एक तो अनलॉक करना शुरू किया इकोनॉमी को, बट स्टेप बाय स्टेप मैनर में, पूरी इकोनॉमी हमने एक बार में नहीं खोली, जब हमने स्टेप बाय स्टेप मैनर में अनलॉक किया तो इकोनॉमिक रिकवरी भी धीरे धीरे होने लगी और साथ ही साथ हमने डाटा को भी ट्रैक करना शुरू किया। अगर हम एक बार में खोल देते, गवर्नमेंट अगर एक बार में पूरी की पूरी इकोनॉमी खोल देती, इट वुड हैव बीन क्वाइट डिफिकल्ट टू ट्रैक द डाटा, है ना, डाटा को ट्रैक करना और उससे फिर इंटरप्रिटेशन निकालना, है ना, क्योंकि डाटा काफ़ी मददगार होता है, डाटा आपको आपकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी में मदद करता है कि आपकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी कैसी हो। तो एक तो हम क्या कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में, सो दैट हम डाटा को कलेक्ट कर सकें और उसको इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, जब बेटर इन्फॉर्मेशन होगा तो हम सेंसिबल डिसीजंस यहाँ पर लेंगे हेल्थ के सेक्टर में और जो हमारा ये वाला डोमेन है उसमें भी। ठीक है, तो सेम बारबोल स्ट्रेटेजी फिर हमने लगाया इकोनॉमिक रिस्पॉन्स में, जो हमने बारबोल स्ट्रेटेजी वहाँ लगाया हेल्थ के रिस्पॉन्स में, वही स्ट्रेटेजी हमने इकोनॉमिक रिस्पॉन्स में भी लगाया। हमने यहाँ पे कुशनिंग इफेक्ट देने की कोशिश की। अब आप बोलेंगे सर कुशनिंग इफेक्ट क्या होता है, कुशनिंग इफेक्ट मतलब गद्दा, है ना, गद्दा क्या करता है, चोट लगने से बचाता है। तो काफ़ी सारे जो इकोनॉमी के ऐसे सेगमेंट्स हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल थे, है ना, ऐसे सेगमेंट जो ज़्यादा वल्नरेबल थे कोविड की वजह से, उनको हमने थोड़ा कुशनिंग इफेक्ट देने की कोशिश की, उनको थोड़ा सा हमने फ्लेक्सिबिलिटी, उनको थोड़ा रूम देने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, कोविड का असर, लॉकडाउन का असर ज़्यादा किस पर पड़ेगा, रिलायंस इंडस्ट्री पे या जो आपके मोहल्ले में चाट वाला है उस पर, बताइए। कोविड का असर टाटाज पे, अंबानीज पे ज़्यादा पड़ेगा, ये जो आपके मोहल्ले में चाट वाला है या आप जिम से निकल कर जहाँ पे अंडे खाते हैं उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, अंडे वाला चाट वाले पे, है ना, आपके गोलगप्पे वाले पे, छोले भटूरे वाले पे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कुशनिंग इफेक्ट देना शुरू किया, है ना, जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, कुशनिंग इफेक्ट देना शुरू किया। और उनके लिए सबसे पहली ज़रूरत उस समय हो गई थी कि भैया फूड रिक्वायरमेंट वगैरह, है ना, और कुछ कैश ट्रांसफ़र्स, क्योंकि जो डेली अर्नर्स हैं, है ना, उनकी तो बहुत दिक्कत हो गई थी, तो उनके लिए कैश ट्रांसफ़र्स, फूड अवेलेबिलिटी, है ना, और जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए लोन्स वगैरह। अब मान लो जो बारबर की शॉप चलाता है उसको कितनी दिक्कत हो गई, भाई छः महीने तो नहीं पूरे, पर 3-4 महीने इनिशियली उसको बिल्कुल काम ही नहीं मिला। तो इन सब सारे जो सेगमेंट्स हैं इनके लिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने शुरू किए, इनको कुछ कैश ट्रांसफ़र दिया, इनके लिए लोन वगैरह की व्यवस्था की और लोन मोरेटेरियम भी दिया। लोन मोरेटेरियम तो खैर बड़े बड़े जो सेगमेंट्स हैं उनके लिए भी दिया गया। लोन मोरेटेरियम का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोरेटोरियम, कहाँ लिखा है मोरेटोरियम, हाँ मोरेटोरिया, ठीक है मोरेटोरिया, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मोरेटोरियम, एनीवन कोई बता पाएगा क्या मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा। मोरेटोरियम का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया, ठीक है, आपने खोलनी थी एक क्या ऑल इंडिया गोलगप्पे सेंटर, है ना, ऑल इंडिया गोलगप्पा सेंटर, आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस में खोलना है बड़ा सा शोरूम। बैंक वाले ने पूछा किस चीज़ का शोरूम खोलेंगे, बोले गोलगप्पे का शोरूम, है ना, इंडिया के में जितने स्टेट्स हैं उतने टाइप के गोलगप्पे मिलेंगे भाई साहब यहाँ पे, है ना, और सिर्फ इंडिया के नहीं, बिल्कुल चाइनीज़ फ्लेवर के गोलगप्पे मिलेंगे, इटालियन फ्लेवर के गोलगप्पे मिलेंगे। आपने लगाई एक रेडी, ओ रेडी नहीं यार, शोरूम, है ना, दिल्ली के कनॉट प्लेस में, बिल्कुल दिल्ली के हार्ट में। आप बैंक के पास गए, बोले भैया 10 करोड़ रुपये लोन चाहिए,
बैंक ने बोला ले लो, है ना। तो आपने 10 करोड़ रुपये बैंक से लोन ले लिया, और जब ये 10 करोड़ रुपये बैंक से लोन आपने लिया, माइक वेक लगा हुआ है ना, हाँ लगा हुआ है, 10 करोड़ रुपये बैंक से लोन लिया आपने, तो आपको कुछ इंस्टॉलमेंट फिक्स किए गए कि हर महीने आप कितना लौटाओगे भाई, तो हर महीने हम 10 लाख रुपये लौटाएंगे, है ना। एवरी मंथ वी विल बी रिटर्निंग 10 लाख रुपीज लेटर से, तो 10 लाख आपका क्या हो गया, EMI, है ना, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब जब गोलगप्पे खरीदने ही नहीं आ रहे, लोग खाने ही नहीं आ रहे आपके शोरूम में, सो कॉल्ड शोरूम में कनॉट प्लेस के, तो भैया लोन का EMI कहाँ से चुकाओगे, महीने का 10 लाख रुपये कहाँ से चुकाओगे। तो मोरेटोरियम का मतलब ये है कि आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए, जितने दिनों के लिए, जितने मंथ्स के लिए मोरेटोरियम घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया, उतने ड्यूरेशन के लिए आपको EMI नहीं पे करना पड़ेगा। इसीलिए EMI नहीं पे करने वाला ड्यूरेशन है लोन मोरेटोरियम, है ना। तो लोन मोरेटोरियम को एक और शब्द से जानते हैं, इसके लिए EMI हॉलीडे टर्म भी यूज़ किया जाता है कई जगहों पर, है ना, EMI हॉलीडे, ठीक है, EMI हॉलीडे टर्म भी यूज़ किया जाता है, तो भूलना मत, ठीक है, डो नॉट फॉरगेट, EMI हॉलीडे टर्म भी इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, चले आ जाए। तो EMI हॉलीडे टर्म भी यूज़ होता है, और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने यहाँ पर करने की कोशिश की। आइए और देखते हैं जी क्या है ना, एम्फेसिस था किस चीज पर, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने पे, द एम्फेसिस वाज ऑन प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी नेट, एम्फेसिस किस चीज पर है, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने पे, है ना। जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं, दे डिसाइडेड टू पंप इन, है ना, पंप इन करना मतलब इकोनॉमी में थोड़ा पैसा डालना, बट लॉकडाउन के टाइम पे इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा पंप इन नहीं किया जाए, है ना, ज़्यादा स्टिमुलस लॉकडाउन के टाइम पे नहीं दिया जाए, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये आपको इसका लॉजिक क्या है पहले आपको ये समझना चाहिए। एक इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड केन्स, क्या नाम है, जॉन मेनार्ड केन्स, केन्सियन थ्योरी बोलते हैं उनका जो थ्योरी है उसको बोलते हैं केन्सियन थ्योरी। तो केन्सियन थ्योरी क्या कहता है कि जब भी इकोनॉमी में दिक्कत हो ना, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही हो, कुछ ऐसा सिचुएशन हो, तो उस समय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा मनी पुश करना चाहिए इकोनॉमी में। गवर्नमेंट कैसे पुश करेगी इकोनॉमी को, गवर्नमेंट उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मान लो गवर्नमेंट ब्रिज बनवाने लगे, फ्लाईओवर बनवाने लगे, रेलवे ट्रैक्स बनवाने लगे, तो जब गवर्नमेंट ये सारा काम करवाने लगेगी तो क्या होगा, उस समय एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेबर का, इंजीनियर का, है ना, और सीमेंट खरीदेगी गवर्नमेंट, और कुछ चीज़ें खरीदेंगी, है ना, जो स्टोन्स होती हैं वो खरीदेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए रॉड्स वगैरह खरीदेंगे, स्टील खरीदेंगे। तो जब गवर्नमेंट मार्केट से चीज़ें खरीदेंगी तो जो सेलर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी फायदा, जो लेबर्स हैं उनके लिए भी फायदा, कंपनी में कुछ एग्जीक्यूटिव्स होंगे काम करने के लिए उनके लिए भी, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो कंपनी इंजीनियर्स वगैरह रखेगी, सेल्समैन रखेगी, काफ़ी सारे काम होंगे, है ना, ऑपरेशनल जो डिपार्टमेंट होगा उसमें कुछ लोग होंगे, तो जॉब क्रिएशन भी होगा, साथ ही साथ मनी का फ्लो भी हो जाएगा मार्केट में। तो ये बोलता है कौन, ये बोलता है केन्सियन थ्योरी। कौन से इकोनॉमिस्ट हैं, जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है। तो केन्स साहब ऐसा कहते हैं। अब बात आई कि इंडियन इकोनॉमी में भी हमें केन्सियन इकोनॉमी, केन्सियन थ्योरी को लगाना पड़ेगा भाई कोविड के सिचुएशन में। वर्ल्ड में 1930 ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और फिर थर्ड ग्रेव सिचुएशन है ये, है ना, लगभग 80 साल के बाद ऐसा कोई सिचुएशन आया है, तो केन्सियन थ्योरी तो लगाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को मनी पंप करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन लगा रहा उस समय ज़्यादा मनी इस केन्सियन थ्योरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा मनी इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है भैया मनी पंप करने के लिए इकोनॉमी में कुछ एक्टिविटी चलनी भी तो चाहिए। उस समय सब कुछ ठप पड़ा है, है ना, इंडस्ट्रीज ठप पड़े हैं, अब हम सीमेंट किससे मांगेंगे, है ना। तो उस समय गवर्नमेंट ने ज़्यादा मनी पंप नहीं किया, है ना। गवर्नमेंट ज़्यादा मनी कब पंप करने की कोशिश कर रही है, अक्टूबर के बाद से गवर्नमेंट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा मनी पंप करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम को गवर्नमेंट ने यूटिलाइज किया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म के कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने उस टाइम को यूटिलाइज किया। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, कहाँ गया भाई, इधर आएगा शायद। अच्छा, एक दो चीज़ें और यहाँ पे ऐड कर दूँ आप, हाँ, इस टाइम पे अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा हो गया है ना,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारा मतलब बहुत हाई लेवल पे है अभी प्रेजेंटली, है ना। और जो इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है ये, ठीक है। अभी जो इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ है आप मार्केट में देख रहे हैं कि चीज़ों की प्राइसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो दिस इज़ डिमांड ड्रिवन स्टेट इन्फ्लेशन। वैसे आज भी न्यूज़पेपर में आया कि इन्फ्लेशन अभी और थोड़े टाइम तक कंटिन्यू करने वाला है। ये डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन तब बोलते हैं जब डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई शॉर्टफॉल हो और डिमांड ज़्यादा रहे, उसको बोलते हैं डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अभी जो इन्फ्लेशन हो रहा है ना कि सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम हो रही है, भैया सिंपल सा कंसेप्ट है ना। अब आप मान लीजिए दिवाली का टाइम है, ठीक है, सब लोगों को खरीदनी है मिठाई, आप गए सारे लोग मिठाई वाले के पास, मिठाई वाला बोल रहा है भैया मेरे पास तो सामान ही कम है, है ना, मेरे जो लड़के बना के लाते थे जिनसे मैं छोटे छोटे मिठाई वालों से खरीदता था उन्होंने बना के नहीं दिया, जब उन्होंने बना के नहीं दिया तो मैं बेचूंगा कहाँ से, उसके पास कम मिठाई है, उसके पास 10 पैकेट है, खरीदने वाले 20 लोग खड़े हैं, तो मिठाई वाला बोलेगा भैया मैं प्राइस इंक्रीज करके बेचूंगा आप तो, है ना, तो वो ज़्यादा प्राइस लेने लगेगा। तो क्या होता है जब भी सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा होता है तो गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन। तो डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन की वजह क्या है? अभी प्रेजेंटली इन्फ्लेशन जो है डिमांड ड्रिवन, उसका वजह ये है कि सप्लाई जो है हमारा, है ना, वो थोड़ा बिगड़ गया है, तो सप्लाई चेन के बिगड़ने के कारण अभी इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है। बट चूंकि मतलब फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का रिजर्व हमारा बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करना भारतीय इकोनॉमी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हम आराम से कर सकते हैं थोड़ा बहुत एक्सपेंशनरी पॉलिसी, है ना। एवरी फाइनेंसिंग एवेन्यू, और ये जो एक्सपेंशन हमको करना है, ये जो हमें इकोनॉमी में मनी पंप इन करना है, इसके लिए हर तरह के फाइनेंशियल एवेन्यूज, जैसे कि जो डोमेस्टिक कैपिटल है मतलब देश के अंदर का पैसा, एसेट मोनेटाइजेशन, फॉरेन एंड डोमेस्टिक कैपिटल, तो फॉरेन से भी पैसा लेंगे हम, डोमेस्टिक कैपिटल को भी यूज़ करेंगे और एसेट मोनेटाइजेशन भी करेंगे। अब आप पूछेंगे सर एसेट मोनेटाइजेशन क्या? एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब ये कि आपके पास 2 एकड़ ज़मीन रखी हुई है, ठीक है, आपके घर में कोई क्राइसिस की सिचुएशन आई, आपने बोला कि भैया 2 एकड़ में से 1 एकड़ बेच देते हैं, या 0.5 एकड़ बेच देते हैं, तो इसको बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो एसेट है, उसको थोड़ा सा मोनेटाइज कर लेना, उसको एनकैश कर लेना, उसके बदले में कैश अपने पास रख लेना, दिस इज कॉल्ड एज एसेट मोनेटाइजेशन। तो भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे कंपनीज में डिस इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही है, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई थी, आइए और देखते हैं क्या है, ठीक है। इवन डेफिसिट मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन तो करेंगे ही, डेफिसिट मोनेटाइजेशन भी करेंगे। डेफिसिट मोनेटाइजेशन का जो प्रैक्टिस है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, 1997 से पहले इस प्रैक्टिस को हम लोग यूज़ करते थे। तो डेफिसिट मोनेटाइजेशन में क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे यहाँ जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक जो होता है वो ट्रेजरी बिल्स, है ना, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स इशू करता है। क्या इशू करता है? एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, एडहॉक टी बिल्स इशू कर देता है, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स इशू कर दिया जाता है गवर्नमेंट के लिए, तो उससे गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा आ जाता है ट्रेजरी बिल से। गवर्नमेंट क्या करेगी, इन ट्रेजरी बिल्स को देगी बैंक्स को और गवर्नमेंट के पास थोड़ा पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल्स समझते हैं ना आप लोग, इकोनॉमी में पढ़ा है ना ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड समझते हैं, तो सामान्य भाषा में ये समझ लीजिए कि ट्रेड जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो एक तरह के बॉन्ड होते हैं, कि आपने सपोज बैंक को पैसे दिए, है ना, और आपने बैंक से बॉन्ड खरीदा, तो वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, रिजर्व बैंक से इशू करवा लेती है, बैंक को देती है, बदले में पैसे ले लेती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा इस टाइम पे, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन का ये आस्पेक्ट है। अब बात करते हैं कि जो पोस्ट कोविड सिनारियो है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, उसमें हम कैसे अडेप्ट करेंगे, हाउ विल वी अडेप्ट इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ तक की बातें सभी को समझ में आ गई हैं? बिल्कुल, पोटैटो प्राइसेस इंक्रीज, बिल्कुल, यहाँ तक की बातें सभी को समझ में आ गई, कंफर्टेबल है? हाँ नानू बताओ जल्दी से, फटाफट से बताया जाए, हाँ नानू जल्दी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ट्रेजरी बिल्स सबको पता है, शाबाश। अच्छा ये जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ ये आपको नहीं दिख रहा, चलिए इससे पहले की चीज़ें दिख रही थी आपको, रेड कलर और ब्लू कलर दिख रहा है, ग्रीन नहीं दिख रहा, ठीक है जी, ग्रीन से नहीं लिखेंगे अब, क्लियर, बिल्कुल,
सिलेबस का पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो आज का पढ़ने का तरीका अच्छा है, आपको समझ में भी आ रहा है कि डायरेक्ट कैसे पढ़ना है आर्टिकल को। चलिए, और कौन कौन से वर्ड्स पे ध्यान देना है आपको, तो अडेप्टिंग टू अ, हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे जरूर हो रही है क्योंकि पहले पीडीएफ से मैं आपको नहीं पढ़ाता था, आज पहली बार डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, तो कभी आगे चला जाता हूँ फिर दोबारा से पीछे आना पड़ता है ना, तो प्लीज़ बियर विथ मी फॉर दैट। अडेप्टिंग टू अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, तो अभी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना, वो आज के पूरे टाइम में वो है कि कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, आप देखेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि काफ़ी टाइम से हम लोग खुद कोशिश कर रहे थे कि हमारे क्लासरूम ऐसी हो जाए कि व्हाइट बोर्ड वाली हो जाए, ये स्मार्ट बोर्ड लग जाए, इस पर पढ़ाएं, बट मैं पढ़ा कैसे रहा था आपको, लैपटॉप पे पढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी, मतलब कैसे हो गए थे, बंद तो नहीं कहना चाहिए, स्क्यू हो गए थे, स्क्यू इज़ द टर्म, एग्जैक्ट टर्म, बंद नहीं हुए थे कम्प्लीटली, बट इम्पोर्ट्स वेर स्क्यूड, है ना। तो डिसरप्शन था, सप्लाई चेन डिसरप्शन था, इसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट्स हमारे इम्पोर्ट होकर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्मार्ट बोर्ड अभी आप जिस पे पढ़ रहे हैं, ये दुबई से आता है ना, तो जो इम्पोर्ट थे वो हमारे जब स्क्यूड थे, तो उसी की वजह से काफ़ी सारे डिसरप्शन प्रॉब्लम हमारे यहाँ हुई। तो अभी पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ग्लोबल डिसरप्शन, है ना, ग्लोबल डिसरप्शन, कैसा डिसरप्शन, सप्लाई डिसरप्शन मेनली, ठीक है। तो ये अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने देखने को मिल रही है ना। अब जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, जब सामने का पिक्चर क्लियर ना हो, क्योंकि आप देखिए लगभग 7-8 महीने निकल चुके हैं, बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं, 4-5 महीने पहले ऐसा बोला जा रहा था कि अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा, शुरुआत में तो बोला जा रहा था जुलाई में ख़त्म हो जाएगा, फिर बोला अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, फिर बोला नवंबर तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो क्लैरिटी है नहीं, केसेस दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है, उससे पहले बिहार में दशहरा का फेस्टिवल था, इलेक्शन में सब लोग बिल्कुल खुल के बाहर निकले हैं, इलेक्शन में तो गवर्नमेंट एजेंसीज ने डाटा को थोड़ा छुपा लिया, थोड़ा दबा दिया, टेस्टिंग रोक दी। इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा बिहार में, तब आप देखिएगा कि कितने नंबर ऑफ़ केसेस बिहार से निकलने वाले हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ़ केसेस बिहार से निकलेंगे। और दिल्ली का हाल आप देख ही रहे हैं, फेस्टिवल सीजन होगा, लोग मार्केट में जाएंगे और नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा। और आप देखिए ना, दशहरा के बाद से किस प्रकार से केसेस दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, 7000 कल का रिकॉर्ड है, और हर दिन नए कीर्तिमान एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो ये केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब फ्यूचर इज अनसर्टेन, है ना, सिर्फ शॉर्ट टर्म का नहीं, पूरा का पूरा पिक्चर ही अनसर्टेन है। और जब भी अनसर्टेन हो तब डिसीजन मेकिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल 1940 में ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया के दो सबसे स्ट्रांग देश थे, और काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रांग देश थे। आपको याद होगा जब हम आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ा रहे थे, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि दो ही इंपॉर्टेंट, दो ही इन्फ्लुएंशियल पावर्स हैं, एक ब्रिटेन एक फ्रांस। 7 ईयर्स वॉर हुआ उसमें भी वही लोग थे, इंडिया में जो पावर के लिए लड़ाई चल रही थी उसमें वो लोग थे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी वो लोग हैं। ब्रिटेन और फ्रांस दो सबसे इंपॉर्टेंट पावर हैं। 1940s की शुरुआत में क्या किसी ने अंदाज़ा भी लगाया होगा क्या कि इस डेकेड के अंत होते होते तक, 50s आते आते तक, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही अपना ग्लोरी, दोनों ही अपने पावर स्टेटस को खो देंगे, अपने रुतबे को खो देंगे, और दो नए पावर्स उभर जाएंगे कोल्ड वॉर पीरियड के, USSR। ऐसा ही आर्टिकल कह रहा है कि क्या किसी ने ऐसा सोचा था क्या? किसी ने नहीं सोचा था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, सो हाउ कैन वन प्रिपेयर फॉर एन अनसर्टेन न्यू वर्ल्ड, है ना, कोई ऐसे नए वर्ल्ड के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकता है जिसके बारे में कुछ एग्जैक्ट क्लियर ही ना हो, ठीक है। तो रैदर देन इन्वेस्ट इन रिजिडली मास्टर्ड प्लान रिस्पॉन्स, इट इज बेटर टू, है ना, एक ही हो सकता है कि हम सोचें कि नहीं भैया यही मास्टर प्लान है, हम इस प्लान पे इन्वेस्ट करेंगे, यही बेस्ट रहेगा हमारे लिए, बट अनसर्टेन सिचुएशन में सर कुछ भी बेस्ट नहीं होता। यहाँ पर बेस्ट क्या होता है, इन्वेस्ट इन टू थिंग्स, हम दो चीज़ों में इन्वेस्ट करें। किस किस चीज़ में हम इन्वेस्ट करें? फ्लेक्सिबिलिटी में और रेजिलियंस में। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जिस तरह की सिचुएशन आई हम अपने इकोनॉमी को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे, है ना, जिस तरह का सिचुएशन आए, घर में दिवाली आई बट फिर भी हम कुछ कोशिश करेंगे कि हम अपनी पढ़ाई दिवाली में भी चला पाएं, है ना। इसीलिए 5M चैलेंज अभी आपको काम आने वाला है, 5M चैलेंज काम आने वाला है, दिवाली में आपके घर पे काम होगा, सेलिब्रेशन होंगे, मम्मी कुछ काम बोलेंगी, पापा बोलेंगे मार्केट से ये ले आओ, बड़े सारे काम होंगे। 5 बजे तो कोई नहीं बोलेगा ना, ना 5 बजे सुबह कोई बोल रहा है, ना 7 बजे सुबह बोल रहा है, तो 5 बजे और 7 बजे सुबह वाली क्लास आपकी चलनी चाहिए। आज घर में मैं अभी क्लास से पहले डिस्कशन चल रहा था और मेरी टीम वालों से भी मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो उन लोगों ने पूछा कि सर दिवाली के दिन क्लास लेंगे क्या आप? मैंने बोला जी हाँ, दिवाली के दिन भी क्लास लेंगे। 5M चैलेंज
इज अ 21 डेज चैनल, तो वो नॉन स्टॉप चलेगा बॉस, है ना। दिवाली के दिन नंबर ऑफ क्लासेस कम जरूर हो जाएंगी, बट 5 AM चैलेंज नहीं रुकना चाहिए। 5 AM चैलेंज पे आपको भी घर में कोई काम नहीं बोलेगा, तो आपको भी 5 AM चैलेंज पे दिवाली के दिन भी मुझसे मिलना है, हैप्पी दिवाली मेरे साथ मनानी है आपको, है ना, मेरे साथ हैप्पी दिवाली करनी है, ठीक है। तो एवरीवन विल बी देयर ऑन दैट दिवाली डे एज वेल। वैसे 5 AM चैलेंज में मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े कम हो गए, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। पहले दिन लगभग 160 के आसपास स्टूडेंट लगभग लाइव थे, फिर आजकल 110 120 के आसपास स्टूडेंट है, बट आई एम हैप्पी कि इतने लोग जो लाइव आ रहे हैं, मैं उनके लिए हैप्पी हूँ, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग, है ना, दैट इज ग्रेट थिंग। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम किस चीज़ पे इन्वेस्ट करें, फ्लेक्सिबिलिटी पे और रेजिलियंस पे, ठीक है। तो दिस इज द कंटेक्स्ट इन विच रिसेंट सप्लाई साइड रिफॉर्म्स नीड टू बी सीन। और इसी रेजिलियंस को डेवलप करने के लिए, इसी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए, रेजिलियंस प्लस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं सप्लाई साइड में। सप्लाई साइड में मतलब मार्केट रिफॉर्म्स नहीं, सप्लाई साइड मतलब जहाँ से सामान जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज के साइड में, फॉर एग्जांपल खेत खलिहान यानी कि किसान के साइड में। तो सप्लाई साइड में दो रिफॉर्म्स अभी बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, एक हमारा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म है ना, जो फार्म बिल्स आए हमारे, और दूसरा जो लेबर कोड्स आए हैं हमारे, ये दो सप्लाई साइड के रिफॉर्म्स अभी हुए हैं। दिवाली के दिन सब लोग आएंगे ना, सुबह मेरे साथ हैप्पी दिवाली करेंगे ना, एवरीवन विल बी देयर। टाइम टेबल लिख के सबके रूम में लगा दिया है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता इस फैमिली में, वेरी गुड, ठीक है। रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है बॉस, है ना, जो रुक गया वो रुक गया, है ना, चलते रहना है बॉस, चलते रहना है। जब तक यूपीएससी नहीं तब तक रुकना नहीं, है ना, जब तक यूपीएससी नहीं तब तक रुकना नहीं, अनस्टॉपेबल। और दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन। कोई सुबह 5 बजे जब आपको पढ़ाता हूँ तो कोई अत्याचार थोड़ी होता है आपके ऊपर, दैट इज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन यार। सेलिब्रेशन की बात नहीं है, क्या आपकी पहले हैबिट नहीं थी सुबह उठने की, आप 7 बजे 8 बजे उठते होंगे आप में से कई सारे लोग, अब आप 5 बजे उठ जाते हैं और पढ़ भी लेते हैं 5 बजे उठ के, ये क्या ये उत्सव की बात नहीं, क्या ये सेलिब्रेशन की बात नहीं है? थोड़ा सेलिब्रेशन इसलिए भी तो होना चाहिए। तो दिवाली के दिन भी सेलिब्रेट कीजिए ना, 5 AM क्लास में सेलिब्रेट कीजिए, इस बात का खुशी मनाइए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं सुबह 5 बजे उठकर, जब बाकी की दुनिया ख्यालों की दुनिया में है, है ना, उस समय हम यथार्थ में जी रहे हैं और आगे का जो हमारा भविष्य है उसको चमकीला बना रहे हैं, उसको ब्राइटन कर रहे हैं, वहां पर हम दिवाली की दिए जला रहे हैं, कहाँ, फ्यूचर में। तो 5 AM चैलेंज तो चलता रहना चाहिए बॉस। दिवाली आए, दिवाली के बाद छठ आएगा, 5 AM चैलेंज विल गो। वैसे छठ से पहले खत्म हो जाएगा, 17th इज द डे। चलिए खैर, आइए बातें करते हैं सप्लाई साइड के रिफॉर्म्स। सप्लाई साइड के क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं भाई, सप्लाई साइड के क्या रिफॉर्म्स हुए हैं? तो सप्लाई साइड में रिफॉर्म्स आप देखेंगे तो यू विल सी जो हमारे फार्म रिलेटेड है ना, फार्म रिलेटेड नहीं, यहाँ पे हाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल सेक्टर रिफॉर्म्स में अभी क्या रिफॉर्म हुआ है, एग्रीकल्चरल सेक्टर रिफॉर्म में ये हुआ है कि जो मंडियां होती हैं, APMCs होते हैं, मंडी के बाहर भी आप खरीद बिक्री कर सकते हैं बिना किसी बिचौलिए के। तो जब बिना किसी बिचौलिए के आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, मतलब आपके पास ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, है ना, आप पूरे इंडिया में कहीं भी खरीद बिक्री कर सकते हैं अपने सामान का, और उस पर कोई मार्केट चार्ज भी नहीं लगेगा, आपके पास ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, किसान की पोजीशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, किसान के लिए तो अच्छी बात है ही, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज फार्म प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है वो भी डायरेक्ट किसानों से खरीद सकते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद बात है। तो फार्म रिलेटेड इंडस्ट्रीज या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए भी फायदे वाली बात है, किसानों के लिए भी फायदे वाली बात है। तो सप्लाई साइड में एक हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कुछ लेबर लॉज हम लेकर आए हैं, जिनको आप बोलते हैं लेबर कोड्स। तो लेबर कोड्स में हमने क्या कोशिश की है कि जितने पहले खूब सारे लेबर लॉज थे उनको हमने 4 कोड के अंदर क्या कर दिया, मिलाकर रख दिया, इंटीग्रेट कर दिया। लेबर कोड्स जब आप देखेंगे तो लेबर कोड में जो 2 इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है, सबसे पहला हमने क्या कोशिश की लेबर कोड में, पहला हमने फोकस किया है कि सेफ्टी पर जोर दें, है ना, सेफ्टी पर जोर दें। आवर फर्स्ट फोकस हैव बीन कि सेफ्टी पर और जो वर्किंग कंडीशन है वो थोड़ा बढ़िया हो, बट साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर है मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी हमने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप छोड़ा है। तो एक तरफ सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं, वर्किंग कंडीशन भी बढ़िया हो, और जो एम्प्लॉयर है उसके लिए भी हमने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी है, मतलब एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रहे हैं एम्प्लॉयर के लिए। और
जब हम सेफ्टी की बात करें, वर्किंग कंडीशन की बात करें, तो जो वर्कर्स हैं उनका भी ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों साइड जब स्ट्रांग होंगे तो ऑब्वियस ही बात है इसका सप्लाई साइड पे जो इन्फ्लुएंस है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया आने वाला है। और लॉन्ग टर्म में यही तो हमारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हमको अपने आप को रेजिलिएंट बनाना है ना, तो इसी तरह की स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, फाइनेंस फैक्टरिंग वगैरह बायलैटरल मीटिंग ये कुछ खास बात नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए जब हम एम्फेसाइज करते हैं रेजिलियंस पे, तो इसीलिए हमने अभी लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत, है ना। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि भारत को कैसा बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हालांकि ये जो शब्द है आत्मनिर्भर, इसको काफ़ी मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है ना। मिस इंटरप्रेट किया जाना मतलब, तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हम इम्पोर्ट विम्पोर्ट ना करें, है ना, हम बाहर की दुनिया से कोई ट्रेड नहीं करें, व्यापार नहीं करें, हम सिर्फ इनवर्ड लुकिंग हो जाए कि सारी चीज़ें देश में करनी, ऐसा सोचने लगे, मतलब हम एंटी ग्लोबलाइजेशन हो जाएं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ एन मिस इंटरप्रिटेशन, है ना। जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट है उसका ये मतलब नहीं है कि हम एंटी ग्लोबलाइजेशन है, है ना। वी आर नॉट एंटी ग्लोबलाइजेशन, वी आर नॉट अपोजिंग ग्लोबलाइजेशन, नॉट एट ऑल। हम बिल्कुल भी ग्लोबलाइजेशन के विरोध में नहीं है, उसका अपोजिशन नहीं कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इम्पोर्ट इम्पोर्ट करेंगे ही नहीं, हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, है ना, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। इनवर्ड लुकिंग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जैसा सोशलिस्ट इरा में था, जैसा USSR वगैरह में हुआ करता था, या इंडिया में ही 1990 से पहले जैसा था, वैसा इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है। तो जब हम बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, तो जब हम बोल रहे हैं आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंस, तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या नहीं है, सेल्फ रिलायंस का मतलब सेल्फ सफिशियंसी नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लीजिए अपने नोटबुक में, सेल्फ रिलायंस इज नॉट इक्वल्स टू, सेल्फ रिलायंस इज नॉट इक्वल्स टू सेल्फ सफिशियंसी, है ना, सेल्फ रिलायंस इज नॉट इक्वल्स टू सेल्फ सफिशियंसी, ठीक है बॉस। नोट्स के लिए कुछ है क्या यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन? अच्छा, ये है मेरे पास नोट पैड, खोल के देखूँ इस बार, इस पर लिख सकता हूँ मैं, इस पर कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते, चलो इसको बंद कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस इज नॉट इक्वल्स टू सेल्फ सफिशियंसी, मतलब यहाँ पर हमारा कोशिश क्या है, यहाँ पर हमारा कोशिश है कि ऐसा नहीं हो, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हो कि अगर इम्पोर्ट कभी डिसरप्ट हो जाए किसी वजह से, कि जैसे अभी कोविड के टाइम में हुआ, जैसे फार्मा इंडस्ट्री, भारत का बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स, दवाई ववाई वाला जो इंडस्ट्री है, इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, और फार्मा का एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है हमारा, है ना, फार्मा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है हमारा, और इस इंडस्ट्री पे भी असर पड़ा, क्यों, क्योंकि इसके जो इनपुट्स होते हैं, इसके जो इन्ग्रेडियंट्स होते हैं, वो हमारे चाइना से इम्पोर्ट होके आते थे, है ना, API बोलते हैं, तो जो API होता है वो चाइना से इम्पोर्ट होके आता था। अब लॉकडाउन की वजह से जो डिसरप्शन हुआ, तो उससे फार्मा इंडस्ट्री पर भी असर पड़ा। तो अब हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी कोशिश ये है कि हम कंप्लीट डिपेंडेंसी ना रखें दूसरों पे, ऐसा नहीं कि हम इम्पोर्ट ले ही नहीं, बट कंप्लीट डिपेंडेंसी ना रखें कि कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जैसा कि इस बार आया, तो फिर हमारा ही काम ठप हो जाए, मतलब थोड़े बहुत हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत मीन्स डेवलपिंग आवर ओन कैपेबिलिटी, है ना, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करना, ना कि बाहर का सामान बिल्कुल बंद कर देना, है ना, बाहर का सामान बिल्कुल बंद नहीं कर रहे, बट अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। द आइडिया ऑफ सेल्फ रेजिलियंस इज दैट इंडिया शुड बिकम मोर रेजिलियंट, कि ज़्यादा फर्क हमें ना पड़े, हम ज़्यादा रेजिलियंट बन जाए, ठीक है, जो हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ है उस पर हम क्या करें, उस पर बिल्कुल अपनी पकड़ बना लें। तो इसके बारे में हमें कुछ एपोलॉजी नहीं होनी चाहिए, हमें बुरा नहीं फील होना चाहिए कि हम सेल्फ रिलायंस की बात करें, हम आत्मनिर्भर, हम नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रख रहे हैं भाई, और जब नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रख रहे हैं तो फिर उसमें क्या गलत बात है। फॉर एग्जांपल, अभी ये एक RCEP नाम का पार्टनरशिप था, आपको पता होगा, जो आसियान देश हैं, आसियान प्लस 6 आसियान, और उनके साथ जो 6 ऐसे देश हैं जिनके साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो भारत के साथ भी है, है ना। तो आसियान प्लस जो 6 कंट्रीज हैं वो एक ट्रेड डील फाइनलाइज कर रहे थे, जिस ट्रेड डील का पहले नाम था RCEP, अब नाम हो गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें पहले जो भारत है, इंडिया है, वो पहले था, अब इंडिया इससे बाहर निकल रहा है ना। RCEP से इंडिया बाहर निकल चुका है, इंडिया ने पहले ही बोल दिया कि हम इसमें नहीं रहेंगे।
तो आरसीईपी से बाहर निकलने का मतलब ये थोड़ी कि हम एंटी ग्लोबलाइजेशन हैं, हम ग्लोबलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पे सर्व नहीं होगा वहाँ पे नहीं रहेंगे, और अगर आत्मनिर्भर भारत अपनी कैपेसिटी डेवलप करने से हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो वी आर देयर, है ना, वी आर देयर। सिंपल सी बात यह है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और कुछ नहीं है, बस इतना सही ये आर्टिकल है और कुछ खास यहाँ पे कहा नहीं गया, ठीक है। हाँ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं साथ ही साथ। ये जो रिफॉर्म है सप्लाई साइड का, ये तो मैंने आपको बताया ही, आत्मनिर्भर भारत है ये भी मैंने आपको बताया, एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है, है ना, एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी किए जा रहे हैं। क्या बेहतरीन चीज़ है यार, पानी, भगवान ने बनाया तो क्या मस्त चीज़ बनाई ना, मतलब द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू मेनी थिंग्स, अल्टीमेट सॉल्यूशन टू मेनी थिंग्स, जबरदस्त चीज़ है यार। मतलब आप कितनी भी चीज़ें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हों, आप ये पी लो, कोको कोला पी लो, चाय पी लो, दूध पी लो, है ना, कुछ भी पी लो, कुछ भी खा लो, बट इसका कोई सब्स्टिट्यूशन है क्या? यहाँ पे कोई आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, यहाँ पे तो निर्भर होना ही पड़ता है। खूबसूरत चीज़ है यार, आई लव इट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, प्यास बुझाती है, है ना, और सही मायने में, मतलब जब प्यास लगती है ना बस, तो प्यास जो है वो पानी बुझा सकता है। मतलब कोई भी आपको कितना ही बढ़िया ड्रिंक क्यों ना मिल जाए, कोई मिल्क शेक मिल जाए, कोई स्मूदी मिल जाए, पानी का जो रोल है वो कोई और प्ले नहीं कर सकता। एनीवेज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे हम, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में क्या किया जा रहा है, जो रिकॉर्ड्स हैं उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है ना, कि सारे रिकॉर्ड को हम ऑनलाइन लेकर आएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह ले रहे हैं, तो जो डिफंक्ट गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज जुडिशरी के लिए भी आने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई सारा जो हमारा बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ एक बात पे अटक जाती है कि जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट जब नहीं हो पाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट जिस संबंध में किया गया था वो तो नहीं हो पाया, और उससे एसोसिएटेड जो बिजनेस एक्टिविटी है वो भी रुक जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट नहीं होता। तो ऐसे लगभग 36 मिलियन पेंडिंग केसेस है ना, 36 मिलियन पेंडिंग केसेस हमारे जुडिशरी के पास हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट नहीं होगा, वैसे केसेस भी यहाँ पे अटके रहेंगे, है ना, तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज में एक तो हो रहा है डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, ये एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका है वो अपने लेवल पे कर सकती है, ये कर रही है। बट एक बड़ा चैलेंज जो है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, एक बड़ा चैलेंज ये होने वाला है सरकार के लिए, है ना, कि कैसे जुडिशरी के साथ पार्टनरशिप में जो ये लीगल मामले हैं, है ना, जहाँ पे सारे मामले आके अटक जाते हैं, तारीख पे तारीख हो जाती है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये देखना पड़ेगा, है ना, ये देखना पड़ेगा। ये अगर सॉल्यूशन निकाल लिया जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा एश्योर हो सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। सिर्फ कैपेबिलिटी बढ़ने की बात नहीं है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंक्रीजिंग द कैपेबिलिटी। अगर हम इस तरह के लीगल मामलों में फंसना को बंद कर देना, तो एक जब सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये भी होगा कि जो हमारा इकोनॉमी है उसकी रेजिलियंस तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ एज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा, कि जो हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे या जो नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो बिजनेस करने से डरेंगे नहीं कि हमारा मामला फंसेगा नहीं कहीं यहाँ पे। तो एक कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों में आएगा, और उससे जो बिजनेस इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। वैसे अभी 9 PM पे हम लोग मिलेंगे, आज 9 PM का टॉपिक ही यही एज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, वी विल बी मीटिंग अगेन एट 9 PM एज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, है ना, एज ऑफ डूइंग बिजनेस की क्लास 9 बजे है, दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे नहीं, जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है आरोहन, वहाँ पे क्लास है 9 PM पे। तो आप सभी लोगों को 9 PM पे कहाँ मिलना है, आरोहन वाले यूट्यूब चैनल पे मिलना है। आरोहन नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जुड़े हुए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए फटाफट से। क्या नाम से टेलीग्राम चैनल है, आरोहन, है ना, आरोहन। किस कलर से लिखें आपके लिए, रेड कलर से लिखते हैं सो दैट आपको दिख जाए, ठीक है, आ जाओ। तो आ एट द रेट लिखना है पहले, फिर लिखना है डबल ए आ रो हन, ठीक है, टेलीग्राम में सर्च बॉक्स पे जाके ये लिखिएगा आरोहन, आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, या आप अगर मेरे पुराने वाले टेलीग्राम ग्रुप पे हैं तो वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा। 9 बजे मिलेंगे, एज ऑफ डूइंग बिजनेस किसे कहते हैं, क्या डायमेंशन है, वो सारी चीज़ें समझेंगे 9 बजे, ठीक है। तो आज ये फर्स्ट आर्टिकल खत्म हुआ, कंक्लूजन है, कंक्लूजन खुद से पढ़ लीजिएगा, ये PDF भी मैं इसी ग्रुप में अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, ठीक है जी।
जो इतनी सारी बातें थी, बाकी आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में पता ही है, यू ऑलरेडी नो अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, है ना। तो इनकेस यू आर लुकिंग टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन तो आप ले सकते हैं, है ना। पूरा का पूरा सिलेबस आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बेस्ट टाइम क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है अगर आप 2021 या 22 की तैयारी कर रहे हैं। 21 के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बचा, 22 वालों के लिए भी 2 साल पूरा पूरा नहीं है अब, तो आपको भी शुरू कर देना चाहिए। कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो जाएगा आपका। और जो दिवाली हॉलीडेज है ना, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो सीरियस एस्पिरेंट है, दे कैन यूटिलाइज दिस टाइम पीरियड, है ना। तो ये एक अच्छा समय होगा अगर आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको मिल जाता है, क्विजेज हैं, डाउट सेशंस हैं, एवरीथिंग, है ना। यू हैव एन एक्सेस ऑन एवरीथिंग, सारी चीज़ों पे एक्सेस आपको मिलता है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मल्टीपल बेनिफिट मिल जाते हैं। सारी की सारी क्लास जो है वो लाइव होती है, तो कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। लाइव क्लासेस है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें हैं। मतलब आपको जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इसी एक जगह पर मिल जाएगी। तो आप आराम से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, डी एन लाइव, जो कि मेरा कोड है, है ना। 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इस कोड को यूज़ करने से, और आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी प्रिपरेशन के दौरान, उनके लिए मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा, ठीक है। तो ये बातें बॉस, यूज़ द कोड डी एन लाइव। ये 1 ईयर का फ़ी है, 1 ईयर, है ना। ये 2 ईयर का फ़ी है, 24 मंथ्स का। और आप चाहें तो EMI पे भी ले सकते हैं, ये देखिए, है ना। नो कॉस्ट EMI, मतलब EMI पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। तो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो आपके पास तो आप EMI पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये HDFC के डेबिट कार्ड से भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको पता ही है, कोड DN लाइव है, है ना। कोड यूज़ करने में गलती ना करें, नहीं तो फिर आगे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग। 9 बजे मिलते हैं आरोहन यूट्यूब चैनल पे, और करेंगे बात एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, बने रहें, डटे रहें। लेट्स क्रैक इट।